मैं अभी जा रहा हूँ अपनी ट्रेन पकड़ने जो मुझे लेके जाएगी महाराष्ट्र के नागपुर शहर तक। और नागपुर से मुझे जाना है पेंच टाइगर रिजर्व में, जहाँ मैं पहली बार जा रहा हूँ। पेंच मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है और उसके पास का सबसे बड़ा शहर नागपुर है। नागपुर से पेंच करीब 75 किलोमीटर दूर है और वो जाता है हमारे भारत के सबसे लंबे हाईवे से, जिसको NH 44 या श्रीनगर कन्याकुमारी हाईवे कहते हैं। और हाईवे पे जाते जाते हमें ये बोर्ड मिल गया जिसपे अलग अलग जानवरों की गिनती लिखी हुई है। असल में इस हाईवे पे जानवरों के एक ओर से दूसरी ओर जाने के लिए 9 अंडरपास यानी सुरंग बनाए गए हैं, जिनमें से कुछ दुनिया के सबसे बड़े हैं जो जानवरों के लिए बनाए गए हैं। और उस बोर्ड से थोड़ा ही आगे बढ़ते हमें वो अंडरपास दिखने लगा। इन अंडरपास में हर जगह पे अलग अलग कैमरास लगाए गए हैं, जिससे ये पता चलता है कि कौन कौन से जानवर इन अंडरपास का कितनी बार उपयोग करके एक ओर से दूसरी ओर जाते हैं। महाराष्ट्र के बॉर्डर को पार करके अब हम आ गए हैं मध्य प्रदेश में, जहां से पेंच टाइगर रिजर्व शुरू होता है। ये रास्ता पेंच के बफर जोन से जाता है, जिसमें सफारी भी होती है। ऐसे ही रोड पे जाते हुए अलग अलग प्रकार के जानवर और बहुत बार टाइगर को भी देखा जाता है। और ये आ गया मेरा रिजॉर्ट, जहां मैं आज रुकने वाला हूं। इसका नाम वन लाइफ है और इसके नाम की तरह यहाँ रहना वन यानी जंगल में रहने जैसा है। ये पेंच के सबसे पुराने रिजॉर्ट्स में से एक है और इसके अंदर ऐसे ऐसे पेड़ पौधे लगाए गए हैं जिन पे अलग अलग प्रकार के बर्ड्स और बटरफ्लाई देखने को मिल जाते हैं। यहाँ टोटल 12 कॉटेजेस हैं जहाँ आप अपने परिवार के साथ कंफर्टेबली रह सकते हैं, वो भी दूसरे रिजॉर्ट से कम प्राइस में। अगर आपको वाइल्ड लाइफ से प्यार है और आप जंगल में रहने का फील लेना चाहते हैं तो ये रिजॉर्ट पेंच में एक अच्छा ऑप्शन है, जो पेंच के सबसे फेमस सफारी गेट टूरिया से बस 10 मिनट की ही दूरी पे है। चेक इन के बाद अभी टाइम है ब्रेकफास्ट का और उसके बाद मुझे जाना है पेंच को एक्सप्लोर करने। Hey, hi Apoor. Hi, how are you? I'm fine. How are you? Good. तो इस रोड पे पहला टाइगर हमने यहाँ देखा था, इस टर्निंग पे ही देखा था। ओके। यहाँ पे क्रॉसिंग होती है, नॉर्मल क्रॉसिंग होती है, क्रॉसिंग होती है यहाँ से। ये बफर से लगता हुआ एरिया है ना? यहाँ तो ये खवासा बफर आता है राइट साइड में। ओके। खवासा तेलिया बफर। तो मैं अभी हूँ वन लाइफ के ओनर के साथ, जो मुझे पेंच के जंगल के आसपास के एरिया को घुमाने लेके जा रहे हैं। महेंद्र और नेहा ट्रैवलर्स को कंपनी के ओनर हैं और पेंच में उनके अलग अलग कैटेगरीज के रिजॉर्ट हैं, जिनमें से एक वन लाइफ है। यहाँ लेपर्ड्स दिखते हैं। अभी थोड़ा सा धूप होने के कारण, हाँ, बट आप अगर 5-5:30 बजे के बाद यहाँ पे आओगे ना, तो डेफिनेटली आपको मूवमेंट दिखेगा। और पीक समर्स में स्लॉथ बेयर के चांसेस भी यहाँ पे हैं। अभी हम जंगल से होते हुए सीता कसा डैम के पीछे वाले हिस्से में आ गए हैं। ये जगह टूरिस्ट में इतना फेमस नहीं है और यहाँ आप अपनी गाड़ी से आ सकते हैं। हॉर्नबिल, ग्रे हॉर्नबिल। तो ये साइड जो है ना, ये यहाँ पे आगे जाएंगे आप 5-10 किलोमीटर पे तो सीता कस्सा डैम है। तो इसका ये बैक वाटर इधर फ्लो होता है। तो अभी तो ये समर के कारण पूरा सूख गया है नदी। नहीं तो जहाँ हम खड़े हैं ना, ये नदी यहाँ बिल्कुल ये नदी का पानी यहाँ से तो होता ही होता है पानी। इस बार ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा पहले ही सूख गया। अभी तो मार्च। लेफ्ट साइड आप थोड़ा सा, लेफ्ट साइड यानी ईस्टर्न साइड आप जाएंगे ना यहीं से सीधा, तो ये आपका चला जाएगा कान्हा, क्योंकि यहाँ से 20-25 किलोमीटर पर पैरेलल रोड चल रहा है, वो जाता है कान्हा मुक्की गेट की तरफ। ओके। यहाँ से पेंच से होते हुए बालाघाट, और फिर बालाघाट से जंगल ही चालू होता है। आपको साइटिंग हुई है कभी इधर? नहीं। एक ही बार हमको सिर्फ बस लेपर्ड के पगमार्क मिले। अच्छा। वो भी हम फर्स्ट टाइम जब हम यहाँ पे आए थे। उसके बाद मेरे ख्याल से जितनी बार भी आए उस कुछ नहीं मिला है। एक टाइम था कि हाइना दिखते थे पेंच में। ओके। यानी अभी जो गाइड जैसे वो अजय है, खुद 20 साल से, उसने कभी नहीं देखा है। लेकिन सफारी में भी नहीं। ओके। लेकिन पहले लोगों ने देखा है ना, अभी तो नहीं दिखता है। कोई कुछ बोल रहा था कि इस साइड में किसी ने देखा है, बट कितना सच है पता नहीं। ये जो आगे जो साइड है ना, ये गाँव साइड, तो मतलब नाइट सफारी में भी इतना कोई चांस नहीं है। नहीं, हाइना तो है ही नहीं, हाइना है ही नहीं पेंच में, हाइना है ही नहीं। मेरी पहली सफारी कल सुबह से है और आज अंधेरा होने से पहले महेंद्र और नेहा मुझे पचधार नाम के इस गांव को दिखाने लाए हैं, जहां पे सारे लोग कुम्हार हैं, यानी ये मिट्टी के बर्तन और अलग अलग चीज़ें बनाने का काम करते हैं। ये क्या बन रहा है? ये वो ढक्कन है सर। अच्छा, ढक्कन। नाइस। ढक्कन बना रहा हूं वो, जैसे खड़े होते रहते। इस गांव में 100 के आसपास घर हैं और सारे लोग बस यही काम करते हैं। क्या करना है? दबाना है? ये टूटा हुआ है इधर से। ओके, ठीक है। ये इधर से ना छेद है। आ जाएगा ढक्कन इस पे ऐसा। हाँ, ओके। नाइस। तो कल पेंच टाइगर रिजर्व के पास के अलग अलग जगह घूमने के बाद अब टाइम है पेंच में मेरी पहली सफारी का। पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में फैला हुआ है और मैं अभी हूँ पेंच मध्य प्रदेश के सबसे फेमस गेट पे, जिसका नाम टूरिया है। तो बाकी लोगों को तो रैंडम मिल जाता है। अगर आपको 2 मिला तो मुझे 3। अभी सफारी 6:15 बजे से स्टार्ट होगी और उससे पहले सारी जिप्सीज को लाइन में लगना होता है और फिर अलग अलग रूट में जाने दिया जाता है। पेंच में कोई सफारी का अलग जोन नहीं है और यहाँ 3 अलग अलग रास्ते हैं जिन पे जिप्सीज को जाने दिया जाता है, लेकिन उसके बाद जिप्सीज जंगल में कहीं भी जा सकती हैं। मेरा नाम अजय मर्सकोले है और मैं टुरिया गेट में गाइड का काम करता हूँ और ये हमारा जो कोर क्षेत्र है वो 411 स्क्वायर किलोमीटर का कोर एरिया है जिसमें 3 एंट्रेंस गेट हैं, टुरिया, कर्मजरी एंड जमतरा। तो हमने टुरिया गेट से इंटर किया है और हमारे यहाँ जो सिस्टम होता है पार्क में इंटर करने के पहले जो टिकट्स वेरीफाई होने के बाद जब गाड़ियाँ लाइन पे लगती तो 1, 2, 3 करके डिवाइड हो जाते हैं रूट सिस्टम, ना कि हमारे यहाँ क्योंकि जोन नहीं होता तो हमको मिला है आज रूट 2। अजय पिछले 20 सालों से यहाँ गाइड का काम कर रहे हैं और ये यहाँ सबसे पुराने गाइड्स में से एक है जिनको यहाँ का चप्पा चप्पा पता है। थोड़ा धीरे से चलना है भैया। ये सिग्नल्स हो रहे हैं जो अलग अलग टाइप से, जो अगर हम ये लंगूर के अलार्म कॉल्स, मकाक का अलार्म कॉल्स को समझेंगे तो ये लापट के लिए है यहाँ पे। ये लेपट आ रहा है, देखिए, ये देखिए, ये चल रहा है। ये हमारी सफारी स्टार्ट ही हुई थी कि हमें अलार्म कॉल सुनाई देने लगी और अचानक से झाड़ियों में से एक लेपर्ड भी दिख गया, लेकिन जब तक मैं उसे फिल्म कर पाता वो अंदर चला गया। बस वो कुछ ही सेकंड का पोज था जहाँ वो खड़ा था वो। हाँ। पेंच में बाघों के अलावा तेंदुओं की भी अच्छी संख्या है और यहाँ के काले पत्थरों पे उनको बैठे देखा जाता है। आगे चल के हमें और जिप्सीज मिलने लगी जो शायद लेपर्ड या टाइगर के लिए वेट कर रहे हैं। और थोड़ा आगे जाने के बाद यहाँ ढेर सारी जिप्सीज रुकी हुई मिल गई और पता चला कि यहाँ से कोई टाइगर क्रॉस करने वाला है। ये टाइगर आ रहा है। ये आ दिखा गया। वो हाँ। अरे इसको पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया। ये निकला है। इस टाइग्रेस का नाम लक्ष्मी है जो यहाँ की एक फेमस टाइग्रेस जिसको लंगड़ी कहते हैं उसकी कब है। तो पेंच के मेरे पहली सफारी में ही मुझे टाइगर की साइटिंग हो गई। इस जंगल की सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये जंगल घना होके भी खुला खुला सा है, मतलब अगर कोई लेपर्ड या टाइगर जंगल के अंदर चले तो वो दूर से भी दिख जाएगा। अभी तक तो वो टाइग्रेस दोबारा नहीं दिखी और हो सकता है वो दूसरे रास्ते से जंगल के अंदर चली गई होगी। लेकिन थोड़ी देर तक उस टाइग्रेस का वेट करने के बाद अब हम जंगल को और एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। ये वो होता है ना गोल्फ कोर्स, वैसा लग रहा है, गोल्फ खेलने के लिए बनाया है। पेंच में इतने सुंदर लैंडस्केप होंगे मैंने नहीं सोचा था और अलग अलग जंगल को घूमने के बाद भी इस जंगल में सफारी करना मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस है। यहाँ कुछ रूडी शेल डक मिल गए जिनको सुरखाब यह चकवा भी कहते हैं और ये एक बत्तख की प्रजाति है। और जब मैं उन रूडी शेल डक को फिल्म कर रहा था तो थोड़ी दूर पे ही कुछ बड़े पक्षी जोर जोर से आवाज़ निकाल रहे थे, जिनको देखने हम आगे जा रहे हैं। आगे आके हमें ये ग्रे हेडेड फिश ईगल मिल गए और गौर से देखने पे पता लगा कि इसने अभी अभी एक मछली को पकड़ा है। और अब टाइम है मध्य प्रदेश के और जंगलों की तरह जंगल के बीच ब्रेकफास्ट करने का। इस जगह को सेंटर पॉइंट कहते हैं, जहां जिप्सी से नीचे उतरना अलाउड होता है और ब्रेक लिया जा सकता है। थैंक यू। जल्दी से ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हम फिर से सफारी पे जा रहे हैं। और सेंटर पॉइंट के पास ही हम नदी के किनारे आ गए। इसी नदी का नाम पेंच है, जिसपे इस जंगल का नाम रखा गया है। पेंच का जंगल इतना सुंदर है कि अगर यहाँ टाइगर की साइटिंग ना भी हो तो सफारी में आप बोर नहीं होंगे और जंगल को घूमने में आनंद आएगा। अब धीरे धीरे धूप तेज हो गई है और थोड़े देर में हमें सफारी से बाहर भी जाना है। फिर से उन्हीं सुंदर लैंडस्केप को देखते हुए अब हम जंगल के अलग हिस्से में जा रहे हैं। अभी मार्च का महीना है और थोड़े दिन बाद गर्मी में इन पेड़ों से और पत्ते गिर जाएंगे और तब जंगल के अंदर दूर दूर तक आसानी से देखना पॉसिबल हो जाएगा। और चलते चलते हमें ये गौर मिल गए, जिसको इंडियन बाइसन भी कहते हैं। गौर जंगली मवेशियों में दुनिया के सबसे बड़े जानवर हैं। गौर में नर 6 से 7 फीट तक ऊंचे हो सकते हैं और इनका वजन 1 से 1500 किलो तक का हो सकता है। आगे जाके फिर से पेंच नदी का एक सुंदर सा हिस्सा दिख गया, जो किसी पेंटिंग से कम नहीं है। और नदी के दूसरी ओर महाराष्ट्र के पेंच का जंगल है, जिसके फेमस जोन सिल्लारी में मुझे कल सुबह सफारी करनी है। ये हाथी पालतू हैं, जिनको किसी और जंगल से यहाँ लाया गया है। इन हाथियों को जंगल में पहरा देने और अन्य प्रकार के काम में लाया जाता है, जहाँ कोई गाड़ी नहीं जा सकती है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, इन तालाबों पे टाइगर की साइटिंग्स के अच्छे चांस बनेंगे। सफारी से वापस जाते जाते हमें कुछ और जानवर मिल गए जिनके लिए हमें फिर से पीछे जाना पड़ रहा है। बहुत बढ़िया, और पीछे लो, हल्के और पीछे। हाँ। यहाँ धूप में दो जैकल यानी सियार आराम कर रहे हैं। इधर देख। ऐसा लग रहा है मैंने यहाँ अपनी पहली सफारी में ही हर प्रकार के जानवरों को देख लिया है। वैसे तो अभी भी कुछ जानवर बचे हैं जो मुझे आज नहीं मिले और आगे की सफारी में देखना है वो मिलते हैं या नहीं। अब अच्छी खासी धूप हो गई है और टाइम है आज की मॉर्निंग सफारी से बाहर जाने का। आई होप मेरी तरह आप लोगों को भी आज की सफारी अच्छी लगी होगी और अगर आपने कभी पेंच में सफारी नहीं किया है तो मैं आपको यहाँ सफारी करने के लिए रिकमेंड करूँगा। आज की मेरी शाम की सफारी में मैं अलग जोन में जाने वाला हूँ जो इस जंगल से एकदम अलग है। तो मिलते हैं इवनिंग सफारी में।